की अपराध शाखा तावड़ू टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके लगभग 16 पिस्तौल व 16 मैगजीन बरामद की है। आरोपी हरियाणा, पंजाब व राजस्थान सहित अन्य जिलों में भी गैंगस्टर को हथियार सप्लाई कर चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि नू एसपी वरुण सिंगला ने प्रेस वार्ता में बताया कि 20 सितंबर 2022 को उपनिरीक्षक विजयपाल अपनी टीम के साथ गश्त पे थे। गश्त के दौरान वो होडल पुलाना रोड पर मौजूद थे कि उस समय उन्हें गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि आसिफ पुत्र आशु उर्फ आस मोहम्मद निवासी बिछोर अपने पास अवैध पिस्तल रखता है और देसी पिस्तलों को बेचने के लिए अपने घर से कहीं जाएगा। जिस सूचना पर दबिश देकर आसिफ उपरोक्त को काबू किया गया, जिसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 2 पिस्तल और 2 मैगजीन भी बरामद हुई, जिनको पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर आरोपी आसिफ से आगे की पूछताछ शुरू की। आरोपी से अन्य सप्लायरों के बारे में पूछताछ कर पूरे नेटवर्क का खुलासा करने की भी तैयारी शुरू की गई है। आरोपी गुरदेव सिंह बरनाला को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी में है। देखिए, अभी हमारी सीआईए तावड़ू की टीम को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। एक अंतर राज्यीय जो अवैध असला सप्लाई करने का जो गिरोह था, उसकी हमने धरपकड़ की है। और जो असले ये बनाता था, मेन जो उसका मैन्युफैक्चरर कम सप्लायर था, उसकी हमने अभी गिरफ्तारी की है। इस मामले की शुरुआत 20/9/2022 को एक मुकदमा दर्ज हुआ था गुप्त सूचना के आधार पर, जो कि 198 नंबर मुकदमा था थाना बिछोर का, अवैध हथियार के धाराओं के अंदर। और उसके अंदर एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी, आसिफ पुत्र आशु निवासी बिछोर। और इस मुकदमे के दौरान 2 पिस्टल 2 मैगजीन बरामद हुई थी, जो इसी में उसकी आगे जांच पड़ताल करने पर उसके डिस्क्लोजर के हिसाब से इसमें इसके जो दूसरा वांछित आरोपी था शहनवाज पुत्र इसुब निवासी नगला सिरोही थाना कोसी कला को जो उसके गांव से हमने गिरफ्तार किया था, जिसकी गिरफ्तारी 19 मई 2023 को की गई थी। और उसकी गिरफ्तारी के बाद जो उसने डिस्क्लोज किया था कि ये सारा जो वेपन्स हैं ये मध्य प्रदेश से आते हैं, तो उसके बाद एक ट्रैप ले किया गया था जो मध्य प्रदेश से इस एक्यूस्ट को राउंड अप करने के लिए, कि काफ़ी अपने आप को बचाकर और सुरक्षित रखकर ये इस प्रकार के अवैध हथियार को सप्लाई करते हैं और बहुत सारी पुलिस को चकमा देते हैं। तो इस पूरे ऑपरेशन को बहुत ही संजीदगी से, सिक्रेसी से प्लान किया गया था। इसमें सीआईए टावड़ू की हमारी टीम्स गई थी, जिन्होंने 10 घंटे की मेहनत के बाद, 10 घंटे लगातार ऑपरेशन चला, गांव दोई पाड़ा से अपराधी ने कई बार मल्टीपल लोकेशंस चेंज की चकमा देने के लिए, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, लेकिन हमारे जाल को वो जो है वो भेद नहीं पाया। और वो अंत में सुबह 9 बजे के करीब पूछताछ के लिए उसको लिया गया था और पूछताछ करने उपरांत गिरफ्तारी की गई वहीं दोई पाड़ा से। और उसके बाद उसको यहाँ पर आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया है और अपराधी का हमारी तरफ से माननीय न्यायालय से 7 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। अब इस पुलिस रिमांड के दौरान हमने ये इसमें पता करना है कि यह इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग का जो सामान है वो कहाँ से लाते थे, हथियार क्या क्या इसके लिए औजार इस्तेमाल करते थे, कितने लोगों को ये अभी तक सप्लाई कर चुके हैं और अन्य इसके तार कहाँ कहाँ तक जुड़े हुए हैं, ताकि अवैध असली की जो सप्लाई है इसको हम रोक सकें। गौरतलब हो कि पूछताछ पर आरोपी ने बताया कि सह आरोपी शहनवाज उर्फ सैनी को मथुरा यूपी से बीती 19 मई 2023 को गिरफ्तार किया गया और आरोपी शहनवाज उर्फ सैनी उपरोक्त से पूछताछ में बीती 23 मई 2023 को आरोपी गुरदेव सिंह बरनाला को जिला बुरहानपुर मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था। आरोपी से तलाशी में 14 अवैध देसी पिस्तल व 14 मैगजीन बरामद हुई। आरोपी गुरदेव सिंह बरनाला पर मुकदमा दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी गई है। पूछताछ में पूरे नेटवर्क का खुलासा किए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। आरोपी से पूछताछ पर और भी वारदातों के खुलासे होने की भी संभावना है। पुलिस कप्तान ने बताया कि जिला नू पुलिस की अपराध शाखा तावड़ू की टीम ने पहले भी राजस्थान व यूपी से अवैध असला व अवैध असला बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था। इसी तरह की सभी अपडेट जानकारी के लिए द ग्राउंड न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ब्यूरो रिपोर्ट, द ग्राउंड न्यूज।